Hi dear my lovely viewers, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great और मैं भी ठीक हूँ. तो अभी बचे हैं सुबह के 2. तो guys, you know what? आज मैं जा रही हूँ एक बहुत बड़ा मतलब कि आप लोगों के सीक्रेट भी है. चलो सीक्रेट क्या भी रिवील थोड़ा सा कर देती हूँ. आज मैं जा रही हूँ ट्रेवल एजेंट की एक मीट होने वाली है जिम कॉर्बेट और वहाँ बहुत कुछ हैपनिंग होने वाला है, बहुत कुछ गाइज. तो ये तो आपको फिर ही पता चलेगा कि वहां पर क्या क्या होने वाला है. वहां पे एक तो मैंने प्रॉपर्टी तो विजिट करनी है, बहुत अच्छी अच्छी रिजॉर्ट है, साथ में वहां पर कुछ और भी होने वाला है, वो सब मैं आपको बताऊंगी. उसके लिए आपको मेरी वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है. तो चलिए मैं आप ज्यादा आप लोगों को वेट ना करवाते हैं, चलो पहले तो यहाँ से अभी हम निकलते हैं. चलिए मैं तो शर्ट भी चेंज कर ली, मुझे विजय ने बोला व्हाइट नहीं डालनी चाहिए सफर में, तो आई हैव चेंज माई शर्ट. और ये देखो विजय ने गाड़ी निकाल ली है पीछे. हम तय कर रहे हैं सोलन टू जिम कॉर्बेट का सफर और आपने मेरी वीडियो को फुल देखना है गाइज. ये देखिए हम अब पूरे 2:15 हुए हैं और हम घर से निकल गए हैं. और ये देखिए कितना सुनसान है, सब लोग सोए हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं सफर की तरफ. नहीं दिखाई दे रहा है ना, देखो तो सुबह सही में देखिए. लो जी पहुंच गए अब हम उत्तराखंड की वादियों में. देखिए चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन है, बहुत ही अच्छा सा फील हो रहा है, वाओ. तो मैडम जी थक चुके थे, थोड़ा चलना चाह रहे थे इसलिए हम उतर गए गाड़ी से. टांगे भी थकी मेरी तो. हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश. ऑसम. फ्रेंड्स तो अभी हमें हो गए हैं पूरे 9 आवर्स. हम तो 2:30 बजे घर से निकल गए थे, बीच में फिर हम 1-1.5 घंटा हमने बीच में खाना खाने रुके थे, मतलब कि ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे. तो आधा घंटा, आधा नहीं 1.5 आवर्स हमारा वहाँ लग गया. और अभी हम पहुँच गए धामपुर और उसके बाद पता नहीं कोई और आएगा, फिर हमें रामनगर जाना है, उसके बाद हम पहुँचेंगे फाइनली. बट पता नहीं कब पहुँचेंगे. बट ये देखिए चलते जा रहे हैं, ये देखिए साथ में ये ड्राइव कर रहे हैं और ये भी थक चुके हैं. इनके बैक की क्यों बैक की बैंड बज चुकी है. अभी बोल रहे थे कि मेरी बैक की बैंड बज चुकी है, बट अभी इन्होंने पिल्लो लगा लिया है. चलिए देखते हैं अभी कितना टाइम और लगेगा फिलहाल. फाइनली फ्रेंड वी आर रीच्ड. अभी हमें जो पहले हमें चेक इन करनी है लास्ट सफाना रिजॉर्ट है यहाँ पर, उसके बाद हम लोग जाएंगे रिवर साइड अहमा, जिन्होंने कि ये जो फैम ट्रिप है वो ऑर्गेनाइज की है. तो मैं आपको पैक करके दिखाती हूँ जरा. और मेरे बोर्ड के पीछे देखिए कैमल भी है. चले कोई बात नहीं, ये पहुँच गए हैं. ये देखिए ये है कुछ ब्यूटीफुल सा रिजॉर्ट. चलिए गाड़ी हमने आप पार्क कर दी अपनी. मैडम जी एंट्री करते हुए यहाँ पे here is the executive room. It's so huge and beautiful. तो व्यू कुछ ऐसा है यहाँ से देखिए. फ्रेंड अभी हम चल रहे हैं लंच के लिए, तो लिफ्ट के थ्रू ही जाते हैं क्योंकि अभी हमें लगी है बहुत ज़्यादा भूख. क्यों लगी है ना आपको भी? और 10 आवर्स का भी सफ़र हम लोग कर आए हैं तो भूख तो ऑब्वियसली लगेगी. वैसे तो हमने ब्रेकफास्ट किया था बट अभी देखिए ऑलरेडी 3 बज चुके हैं. नहीं 2:30 तो 3 भी बजने वाले हैं. चलिए पहले लंच कर लेते, पहले पेट पूजा. हमारा ये जो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का, ये देखिए व्यू भी दिखा दूँ.
ग्रीन ही ग्रीन ऑल अराउंड। और रूम्स कुछ इस तरह से हैं, ये देखिए। फ्रेंड लास्ट जमाना में यू नो व्यू भी है, रूम भी बहुत अच्छे है और स्विमिंग पूल भी है। और चलिए ये मैं आपको प्रॉपर्टी विजिट बाद में करवाती हूँ, पहले कुछ खा लेते हैं भाई, बहुत भूख लगी है। अब मैं जा रही हूँ रेस्टोरेंट की तरफ लंच करने के लिए, चलिए लंच करते हैं। तो फूड आ चुका है और मुझे बहुत भूख लगी है। ये देखिए रायता है, दाल मखनी है, पनीर है और एग करी है, और एक और दिया था इन्होंने कैप्सिकम। बहुत ही लजीज खाना है। तो फ्रेंड अब हम लोग जा रहे हैं इवनिंग वॉक के लिए, मतलब कि अभी नेचर वॉक है। तो अब हम जा रहे हैं रिवर साइड आहमा, जो कि दूसरा रिजॉर्ट है, और देखते हैं नेचर वॉक है और रात में फिर पूल पार्टी है, डीजे नाइट है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। मेरे पीछे की ब्यूटी देखिए। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग कैसे कैसे क्या एक्टिविटीज़ होती है। अभी तक मैं भी अभी तक नहीं गई हूँ, तो चलो मैं आई एम गेटिंग लेट क्योंकि 5 बजे है हाई डीवीएल और साथ में हमें निकलना भी है। तो चलिए वहीं जाकर मिलती हूँ और वहीं देखते हैं हम लोग क्या क्या। फ्रेंड हम लोग पहुँच गए हैं रिवर साइड आहमा, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है, और अब हम यहाँ से जाएंगे नेचर वॉक पर। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ से एक्सप्लोर करवाती हूँ। पार्किंग की ऐसे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि आप पीछे देख रहे हो, ये देखिए यहाँ पर आप आराम से पार्किंग कर सकते हैं। एंड हियर इज द रिसेप्शन। और ये हमारी, ये देखिए यहाँ पे वेलकम। जैसे ही मैंने यहाँ एंटर किया ना, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं ना यू नो फील लाइक हेवन, जैसे मैं किसी हेवन में आ गई हूँ। एकदम नेचर के बीच में मिसमराइजिंग सा एंड यू नो रीजेनरेट हो रही हूँ जैसे मैं दोबारा। और आप देख रहे हो कि हर एक रूम के आगे लॉन बना है, ग्रीन ही ग्रीन है, लश ग्रीन सराउंडिंग ऑल ओवर द रिजॉर्ट। और अभी तो फिलहाल मैं नीचे जा रही हूँ, यहाँ पर हाई टी का प्रोविज़न किया गया है, पहले हाई टी लूँगी। और आई थिंक सारे ट्रैवल एजेंट आ गए होंगे, मैं ही लेट थी क्योंकि मेरे साथ तो बड़ी यू नो लोचा हुआ है, पीछे 10 आवर्स लग गए हैं। तो फिलहाल चलिए हम वो सब अब सब भूल गई हूँ कि क्या क्या हैपनिंग हुई थी, बस नेचर को इंजॉय कीजिए। ये देखिए रिवर, वाओ, यू नो यू फील लाइक ए हेवन, आपको लगेगा कि मैं हेवन में आ गए। यहाँ देखिए सारे ट्रैवल एजेंट अपनी हाई टी इस नेचर इस वादियों के बीच में इंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है गाइस। चलिए मैं भी अपनी हाई टी इंजॉय करती हूँ। अगर आप नेचर लवर हो ना, तो ये आपको बहुत मज़ा आएगा, यू नो आप खो जाओगे, यू लॉस इन नेचर। और आपको यहाँ पे धुआं दिखाई दे रहा है, ये धुआं यहाँ पर मस्किटोज़ के लिए है, ताकि मस्किटोज़ आपकी यू नो आपके आपको किसी भी तरह के परेशान ना करें और आप जस्ट इन्जॉय करें नेचर को। फिलहाल तो ये देखिए आप वादियाँ देखिए, नज़ारे देखिए, साथ में रिवर है और नेचर है। और आपको एक और बात बताती हूँ, यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती होती है, सब कुछ इनका अपना होता है, यू नो अदरक ब्रिंजॉल और बहुत सी यहाँ पे भिंडी मैंने देखा, इन सब की यहाँ पे यू नो ऑर्गेनिक ही खेती की गई थी और सारा कुछ ऑर्गेनिक है, वाओ। तो फ्रेंड नेचर वॉक तो यही थी, मुझे लगा था कि नेचर वॉक में ये लोग हमें मतलब कि नेचर, बट ये प्रॉपर्टी अभी हमें ये प्रॉपर्टी के अभी विजिट करवाएंगे, तो कुछ नहीं हुए, तो वही नेचर, क्योंकि नेचर ही खुद में ही ये नेचर है। और अभी आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे, तो ये इवनिंग की तैयारियाँ हो रही है, ये देखिए। तो इवनिंग में यहाँ पर पूल पार्टी है और यहाँ डीजे वगैरह बजेगा और यहाँ पर अब सब लोग एंजॉय करने वाले हैं। तो ये जो सब सजा है ना, जो ये डेकोरेट हुआ है, ये शाम की इवनिंग की तैयारियाँ यहाँ पर हो रही है। और ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि मुझे नज़दीक आके बोलना पड़ रहा है क्योंकि फिर मेरी वॉइस नहीं अब तक आएगी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल, अभी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। अभी तो जस्ट हम आए हैं, जस्ट अभी हमने
यहाँ पर हाई टी इंजॉय की है। देखिए यहाँ पर जितने भी रूम्स हैं ना, साथ में ये देखिए लॉन है यहाँ पर, और उसके साथ ही स्विंग्स है, झूले वगैरह है। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं सामने, तो हर एक यू नो लॉन आपको मिलेगा, बालकनी है और स्विंग्स है। ये देखिए, ये देखिए जो अब रात में पूल पार्टी और जो फंक्शन होने वाला है उसकी ये तैयारियां चल रही है। ये देखिए यहाँ पर पूरा डिनर का प्रोविज़न किया गया, और पूरा ये देखिए किस तरह से एकदम दिवाली नहीं होती जैसे अब दिवाली में सजाते हो, वैसे यहाँ पर पूरा एकदम से टिमटिमाता हुआ, जगमगाता सब बना दिया गया। और यहाँ ये पूल, और लोग पूल इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि पूल पार्टी भी है, इसलिए नेचुरली यहाँ पर तो सारे आनंद ले रहे हैं पूल का, सारे ट्रेवल एजेंट्स, पूरा टोटली फन। और यहाँ पर होने वाला है डांस बिल्कुल एकदम पूल के पास, और चारों तरफ ऐसे लग यू नो जैसे कि कोई मैरिज नहीं, आप मैरिज में करते हो। और खाना तो बहुत यम यम था, मतलब कि ये देखिए गोलगप्पे, स्नैक्स, मतलब कि इनका दो दिन चला तो दोनों दिन यू नो डिफरेंट डिफरेंट स्नैक्स थे, और खाना ऑसम। अब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप आइए और ख़ुद टेस्ट कीजिए अगर आपको ऐसा लगता है। ये सूप्स एंड ऑल यहाँ ऑर्गेनाइज करा, अभी मैं ज़्यादा बातें नहीं कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ टेस्ट करने फूड। पार्टी ओवर होने के बाद रात को मैं अपने होटल गई, होटल के बाद सुबह 5 बजे हमें यू नो जंगल सफारी के लिए निकलना था, और हम लोग चल पड़े अब जंगल सफारी, मतलब एक्सप्लोर करने के लिए कि यहाँ पर अभी हमें क्या शेर मिलेगा या नहीं। ये भी एक सस्पेंस है, वो तो अब हमारा लक है, लेकिन हम लोग यू नो सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाओं में यू नो बड़ा मज़ा कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको, और टोटली हम लोग फन कर रहे हैं। ये देखिए हम, और जाते हुए रास्ते में पूरा यू नो रामनगर भी अब आने वाला है, रामनगर में, और अब हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं फाटो। सामान लाइक रैपर, बोतल या कोई ऐसी चीजें हो जिससे जंगल में पोल्यूशन क्रिएट हो सकता है, तो आप नीचे ड्रॉप मत करना, उसको आप कैरी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कैरी बैग है। थर्ड वन ये रहेगा, अगर कोई भी वाइल्ड लाइफ, कोई भी एनिमल आपको कहीं भी दिखता है तो आपने उसे देख के शोर नहीं करना है, क्योंकि एनिमल जो है हमारी आवाज़ से यूज तो नहीं है, काफ़ी डरते हैं हमारी आवाज़ से। कोई भी अगर आपको दिखे तो आप बिल्कुल साइलेंट रहेंगे, तो आप बात करेंगे लेकिन धीरे करेंगे, ठीक है। ये तो बेसिक से रूल है, बाकी आप देखिए फ़ोन और वॉलेट का भी खासकर ध्यान रखेंगे, जो राइट में बैठे हैं वो लेफ्ट में रखेंगे, जो लेफ्ट में वो राइट में, ताकि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो, फोन गिरे या फिर वॉलेट ना गिरे, क्योंकि ऐसा अगर हो जाता है तो मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। और जंगल में क्या है, नेटवर्क नहीं आते हैं आगे जाके, तो ये चीज़ों का आप खासकर अपना ध्यान रखेंगे। सेकंड चीज़ पे आते थे कि वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, हम जो जा रहे हैं बिना गारंटी के जा रहे हैं, बट चांसेस हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि नेचुरल जंगल है, और जंगल में ऐसा तो है नहीं कि हमारे हाथ में कुछ भी है, हो सकता है हम जाते ही हमें सब कुछ मिल जाए, हो सकता है हमें कुछ भी ना मिले, तो वो डिपेंड करेगा हमारी टाइमिंग प्लस हमारा लक कितना अच्छा है, ठीक है। तो आज देखते हैं आपका लक कितना अच्छा है और हमारी टाइमिंग कितनी अच्छी बैठती है। फिलहाल यहाँ वन टाइम में 50 जिप्सियाँ जाती हैं, और उन 50 जिप्सियों में से किसको दिख जाए, कब दिख जाए, कैसे दिख जाए, कुछ गारंटी नहीं, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। बाकी देखिए राइट और लेफ्ट वॉच करते हुए चलेंगे सभी लोग, जितना ज़्यादा वॉच करेंगे, जंगल बहुत डेंस है इसीलिए डीप वॉच करेंगे, अगर आप में से किसी को भी कोई एनिमल या कोई ऐसी चीज़ दिखती है तो आप जो है जिप्सी को रुकवा सकते हैं क्लियर करने के लिए। बाकी नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल जंगल है, जंगल को फील कीजिए, हमारी जो है जंगल सफारी है, तो हमारा काम भी आपको ऐसा जंगल को मानेगा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, हमें सामने दिखाई दिया एक हिरन, लकीली चलो अभी कम से कम जंगल में कभी हमें हिरन तो दिखाई दिया, और गाइड ने हमारे फुल गाइड हमें किया है, जैसे कि आपने सुना है कि उन्होंने हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी है, तो हम उसे पूरी तरह से फॉलो करेंगे, बिल्कुल भी आपको गाड़ी से बाहर नहीं निकलना है, और जो भी हमें गाइड इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हमें पूरा फॉलो करना है, और हम भी वो पूरी फॉलो कर रहे हैं। और ये देखिए सामने ये है नदी, यहाँ पर रात के टाइम पर जो लाइन है ना, या कोई भी जानवर होता है तो पानी पीने के लिए आते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा यू नो एक्टिव होते हैं यहाँ के एनिमल्स, और यहाँ पर आते हैं।
वैरायटी होती है और इसकी पता नहीं, वो बता रहे थे कि ये चार है यहाँ पे इस तरह के आपको मिलेंगे। तो फिलहाल तो हम इस नेचर को एंजॉय कर रहे हैं, वादियों को एंजॉय कर रहे हैं, जंगल को एंजॉय कर रहे हैं और सफारी को एंजॉय कर रहे हैं, हर एक चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। बट अभी तक हमें कोई मतलब कि अभी सिर्फ हमें एक हिरन दिखाई दिया था, उसके अलावा हमें अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। और ये देखिए, ये सामने बनाया है, यहाँ से देखते हैं और सारी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हो गई हैं। यहाँ पर इसको ये काई टाइप है, ये पूरा इसमें काई टाइप दिखाई दे रहा था, ग्रीन ग्रीन सा। और यहाँ भी ये जंगली जानवर आते होंगे, ये देखिए। पर ये जंगल सच में बहुत ज़्यादा डेंस था, बहुत। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं, तो हमारे गाइड ने हमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आप यहाँ पर अगर किसी ने वॉशरूम वगैरह जाना है तो जा सकते हैं। यहाँ पर कैंटीन थी, अगर आपने कुछ खाना हो, वॉशरूम भी था अगर वॉशरूम जाना हो, और कुछ सेल्फियाँ सुल्फियाँ खींचनी है तो यहाँ पर हम खींच सकते हैं। और यहाँ पे भी हमारा गाइड हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि उस साइड नहीं जाना है, वो अभी बंद है कुछ टाइम के लिए, से आगे कुछ दिखा रहे थे, ये देखिए सामने, इधर नहीं जाना है, सिर्फ हमें इसी एरियाज़ में रहना है। तो हमने भी पूरा फॉलो किया अपने गाइड को और यहाँ पर कुछ खा लिया था हमने थोड़ा सा। और ये देखिए सामने आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे कमल लगा हुआ है, लोटस फ्लावर। और मैं आपको पता गाइस, मैं यहाँ पे फोटो लेने के लिए गई थी पर मुझे नहीं पता था यहाँ कांटे वो सारे मेरे कपड़ों में लग गए थे, जिसे छुड़ाना बड़ा मेरे लिए टफ हो गया था। बट बहुत एडवेंचरस था ये भी मेरा जो यहाँ का जंगल सफारी थी। तो अगर आप जिम कॉर्बेट आते हो तो इसे भी आपने इंजॉय करना है, अपनी जर्नी में इसे इंक्लूड करना है। जैसे हम लोग तो फुल ऑन इंजॉय कर रहे हैं, ये देखिए अब हम वापस चल दिए। और आपको पता है हमारे साथ एक हुआ था, जब हम बहुत आगे पहुंच गए थे ना गाइस, और रास्ते में जो बारिश आई थी वो मैं नहीं इसको शूटिंग कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन गीला हो सकता था और एकदम से बारिश आ गई थी। बट हमने इसे भी मतलब कि फुल ऑन इन्जॉय किया और बहुत मज़ा आया, एक एडवेंचरस ट्रिप थी ये हमारे लिए। और आप लोगों को भी आना चाहिए यहाँ पर जंगल सफारी को इन्जॉय करने के लिए, लेकिन जो आपको आपका गाइड इंस्ट्रक्शन देता है उसे आप स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली, क्योंकि कुछ भी हैपनिंग हो सकती है, ठीक है। तो फिलहाल तो इस जंगल को एंजॉय कीजिए, डेंस जंगल को, और अब हम पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग राइड करके आ गए हैं, नाइट सफारी में गए थे। तो अब देखिए बाल, देखिए नाइट सफारी के बाद कुछ हाल ऐसी है, और मेरे पीछे आप देखिए कैमल। और अभी ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद हमारा मैच है और बहुत एक्टिविटीज है। तो फिलहाल तो मैं पूरी गीली हो गई, एकदम बारिश आ गई थी, बाल देखिए बड़े बुरे हाल हैं। तो चलिए पहले होटल चलते हैं, पहले अपने जरा हुलिया सवार लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह मैं गई थी 5 बजे उठकर नाइट सफारी, जो कि जंगल सफारी होती है, और पूरा कॉर्बेट घूमा, लेकिन कुछ कोई टाइगर कोई एनिमल मुझे दिखाई नहीं दिए। और अब है हमारा क्रिकेट का मैच, ये देखिए मैं पूरी क्रिकेट की अपनी ड्रेस में आई हूँ। तो अब जा रही हूँ क्रिकेट खेलने के लिए, और साथ में देखो पीछे भी पूरे रेडी है, दिखाओ। We both are ready. सोलन को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। Yes. तो अब हम पहुंच गए हैं और मैच यहां पर शुरू हो गया है। तो चलिए आप जरा मैच एंजॉय करते हैं, ये देखिए सामने सब एंजॉय कर रहे हैं। और अब आ गई है विजय की बारी, चलिए देखते हैं विजय क्या छक्के चौके लगाते हैं। लगाते भी है, फर्स्ट बॉल में ही उड़ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं विजय की बैटिंग, और आ गई है ये डाली बॉलिंग, और फर्स्ट बॉल में ही कैच आउट, और ये फर्स्ट बॉल में ही कैच आउट हो गए हैं। चलिए ये तो एंजॉय के लिए था, तो सबने एंजॉय की। एज यू ऑल नो कि यहाँ पे मैचेस चल रहे हैं, बहुत बढ़िया स्कोर हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। गर्ल्स कोई भी नहीं, अदरवाइज मुझे भी क्रिकेट खेलना था, पर कोई भी रेडी नहीं हो रही है गर्ल्स खेलने के लिए। और मैं तब तक ये जो रिवर व्यू है इसे इंजॉय कर रही हूँ। पीछे देखिए, पीछे हो रहा है मैच। लगाते हुए वेरी नाइस, अब लगा आपका यह निशाना, गुड। तो पहले ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक भी निशाना नहीं लगा, और फर्स्ट टाइम ट्रायल है तो अब लगने लग गया। और पीछे हम यहाँ पे सारी एक्टिविटीज हो रही है अभी, हाँ नॉट बैड। चाहते तो ये देखिए यहाँ साइकिलिंग भी है, और वहाँ मैच हो रहा है, यहाँ डॉगी है, नाइस। इस होटल की एक खास बात है कि यहाँ से आपको व्यू ही व्यू नज़र आने वाला है, रिवर व्यू, तभी तो है रिवर साइड अहमा, और हर जगह से व्यू आएगा आपको रिवर का। ये देखिए, चाहे रेस्टोरेंट में आ जाइए, चाहे मैरिज हॉल में आ जाइए,
कहीं पर भी आप रहोगे आओगे, आपको बस व्यू आने वाला है, ग्रीन ग्रीनरी ऑल अराउंड, माउंटेन्स ऑल अराउंड, लश ग्रीन सराउंडिंग, वेरी नाइस। देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। और आमा में आपको जो गेम इसमें जेनिया है, जोन है, तो ये एक्टिविटीज़ मिलेगी आपको। ये देखिए सारे लिखी है इसमें। तो अभी लंच टाइम हो गया है, तो यहाँ क्रिकेट भी अब ख़त्म होने वाला है। ये देखिए इन लोगों का। चलिए अब लंच एंजॉय करते हैं। और लंच में एज़ यूजुअल बहुत सारी वैरायटीज़ है, जो भी आपने खाना है, सूप है एंड लॉट्स ऑफ थिंग। ये देखिए सैलेड्स, हर एक वैरायटी के सैलेड्स हैं और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर उत्तराखंड की जो स्पेशल डिशेस होती है ना, वो भी बनी है। ये देखिए, ये अब मुझे नाम नहीं इनके पता है, ये नाम ऐसे आगे लिखे हैं बट मैंने पढ़े ही नहीं है। राइस एंड ऑल, मैंने तो बस हल्का सा खाया था राइस। और ये जो उत्तराखंड की जो डिश थी वो, और ये सारी स्वीट्स, पूरे डेजर्ट, पता नहीं क्यों वहाँ जाके बस मेरा मीठा ही खाने को मन करा, तो मैंने सारे डेजर्ट ही डेजर्ट खाए हैं। और ये खीर बहुत ही लजीज थी, बहुत। पर ऑर्गेनिक खेती भी की है गई है। और ये देखिए यहाँ पर बैंगन लगे हुए हैं, ये देखिए, ये देखिए बहुत सारे है ना, ये देखिए कितने सारे बैंगन हैं। इस रिज़ॉर्ट की यही तो इन फ्रेंड सेकेंड नाइट है, और सेकेंड नाइट की अब शाम यहाँ पर सजने वाली है। और आज यहाँ पर अरेंजमेंट है लाइव सिंगिंग की, तो ये देखिए यहाँ पर अभी लाइव सिंगिंग भी हो रही है और सारे एजेंट यू नो अपनी नाइट को एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए सारे एजेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं और लाइव सिंगिंग एंजॉय कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग भी लाइव सिंगिंग एंजॉय करते हैं। ये देखिए सामने, भी महफिल हो वो बिना डांस के तो अधूरी होती है, तो अब हम लोग यहाँ पर डांस एंजॉय कर रहे हैं। सो फ्रेंड आज हमारा लास्ट है रिवर साइड बाय आहमा में, तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ से अपने ला सवाना रिजॉर्ट से, इस होटल में, इस रिजॉर्ट में ब्रेकफास्ट के लिए। और आज हमें चेकआउट भी करना है। और इनकी एक और प्रॉपर्टी है गाइज, द कॉर्बेट मरनार रिजॉर्ट एंड स्पा करके। और लंच के बाद जो लंच है ला सवाना में, उसके बाद हम उस प्रॉपर्टी को विजिट करने जाएंगे। फिलहाल तो यहाँ पर अभी हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट इंजॉय करेंगे, जो कि ये देखिए बहुत ही लजीज है, सारी वैरायटीज़। अगर आप कॉन्टिनेंटल खाना चाहते हो तो कॉन्टिनेंटल है, चाइनीज़ खाना चाहते हो चाइनीज़ है, इंडियन है, जो भी आपका मन करता है, साउथ का है, तो आपको जो मन कर रहा है वो आप खाइए। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी माइंड ब्लोइंग थी गाइस, तो तहे दिल से थैंक्स अनाया एंड आहमा टीम को। तो मेरे पास वर्ड नहीं है जिस तरह की इनकी सर्विसेज थी। फूड ऑसम था, रूम्स बहुत स्पेशियस थे, बालकनी व्यू और यू नो रिवर साइड व्यू बहुत अच्छा। इसके लिए मैंने आपको कहा है ना, आपको यहाँ आना पड़ेगा। और एक और बात मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइज, मैं इनके जो तीन रिजॉर्ट है, एक तो आपका रिवर साइड बाय आहमा, ला सवाना और द कॉर्बेट मरनार रिजॉर्ट एंड स्पा, ये तीन रिजॉर्ट है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइज। इनकी मैं अलग से वीडियोस डालूंगी कि कितने रूम्स है, कैसे व्यू कैसा है उनका, ये मैं सारा डालूंगी। और आपको पता है प्रॉपर्टीज ऑसम है, यू फील लाइक ए हेवन, तो इसके लिए आपको मेरी ये वीडियोस देखनी पड़ेगी। और इस वाली वीडियो में तो सिर्फ मैंने आपको फैम ट्रिप ही एक्सप्लोर करवाया है, अभी मैंने प्रॉपर्टी अच्छे से आपको एक्सप्लोर नहीं करवाई है, लेकिन मैं वो भी आपको एक्सप्लोर करवाऊंगी एक अलग से वीडियो बनाकर। बट अभी आप देख लीजिए कितना है बच्चों के खेलने के लिए, यहाँ पर आपके बच्चे भी बोर नहीं होने वाले हैं, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। और रूम्स तो देखिए कितने स्पेशियस है, लॉन चारों ओर है, बैठिए ग्रीनरी में और एंजॉय कीजिए। हाँ, और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। देरी किस बात की, अभी बहुत कुछ आपके सामने आने वाला है मेरी आगे की वीडियोज़ में, उसके लिए तो आपका मेरा चैनल ये सब्सक्राइब करना होगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए जितना आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं गाइज, मोटिवेशन मिलता है, एक मोटिवेट होती हूँ। और जल्दी मिलती हूँ फिर मैं आपकी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।